लिए अपने दी प्लेयरों को ऐड कर लो। तो देखते हैं क्या होता है। 370 का स्क्वाड फुल है, दोनों का स्क्वाड फुल है, तो स्टार्ट देखते हैं इधर। तो स्टार्ट मैंने लिख दिया, बोलते हैं दोनों का जवाब मिल गया, तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये राउंड 1 2 3 गो नाउ। तो भाई थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा लुक लिया। तो जितने भी अरमानी को चाहिए को लिंक को भेज दे इधर लाइव स्ट्रीम पर। तो इस वक्त मेरे ख्याल से नेटवर्क पे कोई ओके आ रहे हैं। तो हान आ चुके हैं जो पिछले गेम में बहुत खूबसूरत गेम प्ले किया है। इसके साथ तो हसन है और लीडर खुद आ चुके हैं। आज जो लीडरों को गेम प्ले देखते हैं क्या करते हैं। अगर बीटी की बात करें तो बीटी भी बहुत तगड़े खिलाड़ियों में से है, वो भी किसी से कम नहीं है। तो देखते हैं क्या करते हैं। आज जो बीटी वाले सब यूएमपी उठाए हैं, तो लीडर को दिखाते हैं। तो लीडर उसका डाउन है, लीडर ने मेरे ख्याल से गलत मरश मार दिया, उसको उठा लिया गेन। तो उधर मेरे ख्याल से टी सेवेंटी का दो बंदे गया, तीसरा बंदा भी नाक। T70 का मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बंदा बाकी है, हसन बाकी है, और उसका मेरे ख्याल से सब हिला हुए। तो दादा ने डबल किलो, सिर्फ गुरुवार लगाते जा रहे हो, बंदा कब मारोगे भाई। इधर हमारे पास बहुत से बंदे हैं। तो वाह जी क्या मोड मारा है बेड बॉय ने भाई, क्या बात है, क्या सीन है यार। हैक नहीं हो रहा है, उधर लीडर की बात करें T70 का तो कोई भी किल नहीं है अभी तक। और दोन तो बीटी का खूबसूरत गेम प्ले आप आज देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स के शेयर करो लिंक को, आ गया भेज दो बंदों को पता चले कि किसका हमारा क्ले स्क्वाड टूर्नामेंट जारी है। तो लीडर T70 की लीडर की बात करें तो घूम रहे हसन मिडी यूज़ करते हुए, अकेला स्क्वाड मार पाएगा या नहीं तो आप अजी देख लो। तो मेरे ख्याल से स्क्वाड मारना मुश्किल है। हमारा पस टीम है जो हमारा इस टूर्नामेंट में इसने एंट्री किया, पस स्क्वाड है, न्यू स्क्वाड है, ई वाले भी ओल्ड है। तो आज तो हमारे पास न्यू तो आ रहे, जो वेट कर रहे, रश नहीं मार रहे। T70 को पता चल गया, गुलवाल लगा भाई क्या कर रहे हो। थोड़ा सा हसन को दिखाते, अभी नेटवर्क अपनी जगह पर आ रहा है। हसन ने पस किल किया, किसको मार दिया, लीडर को उठा लिया। T70 का एक ही बंदा ना के, हसन ना के, तो दो दो आगे। बेस्ट अपलक बीटी, हाँ बीटी का बेस्ट अपलक है, नहीं बीटी का बेस्ट अपलक है ये। 7-0 से हराएगा, T70 वाले गलत रश मार रहा है भाई। बीटी वाले तो गुड लक है क्योंकि अभी तक उसने 3 राउंड जीता है ना। जब आप 3 राउंड जीतेगा तो फिर प्रेशर दूसरी टीम पर हो जाता है ना, तो यही मसला है ना। T70 वालों का मसला तो ये है ना कि वो रश तरीके से नहीं मार रहे। तो जितने भी हमारा न्यू व्यूवर्स है, जितने भी हमारा न्यू फ्रेंड्स है, जितने भी लवर ऑफ फ्री फायर है, जितने को हमारे टूर्नामेंट पसंद आए, तो प्लीज़ 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 हेलो ब्रो न्यू वेलकम टू स्ट्रीम। तो भाई हमारे यूट्यूब को, यस ब्रो मुझे पता चल गया जब आप आ गए, ये दिस इज़ योर गिल्ड। तो जितने भी हो सके भाई हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब मारो। मैं फिर क्या हुआ दादाई को। तो इधर T70 लीडर की बात करें, इंशाल्लाह दे वी विल, इंशाल्लाह
हम दोनों टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि हम ये आपको नहीं बोल सकते कि इंशाल्लाह दोनों कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अपने गिल्ड के लिए कि मैं ये मैच जीत सकूँ, मैं ये मैच जीत सकूँ आगे के लिए, मैं क्वालिफाई कर लूँ। दोनों टीमें तगड़े हैं, ऐसा नहीं कि दो BT वाले अच्छे हैं, T70 वाले अच्छे, दोनों अच्छे हैं, लेकिन कोई अच्छा रश मार रहा है कोई बुरा। इसका जहान हर दफा इसका अभी इसका दो बंदे ना के, T70 का लीडर भी ना के, उधर उसका भी दो बंदे ना के, वो जीवा एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। खान को भी डाउन किया है, उधर पूरा स्क्वाड है, एक हसन ही बाकी है तो वो भी गया। तो BT वाले ने खूबसूरत कमबैक कर रहे हैं यार, क्या बात है। तो भाई गेम थोड़ा सा अच्छी खेलना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो स्क्वाड आपको पता चल जाए तो तगड़ा स्क्वाड है, तो फिर आपको एक साथ रहना, एक साथ तो गलत गेम फिर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तो T70 वालों को अभी प्रेशर आ चुका है ना, वो 4-0 से जा रहे। तो भाइयों हम आपको इमेज दिख अच्छी अच्छी टूर्नामेंट अच्छी अच्छी मैच आपको दिखाते हैं, क्योंकि हाँ हमारी काम ही है ना आप लोगों को मैच दिखाना। हम इतने बड़े यूट्यूबर है नहीं, छोटे है, तो इसलिए तो हम तो पठान हैं। तो इधर BT लीडर को थोड़ा सा डैमेज पड़ गया है इस, मेरे ख्याल से इधर T70 लीडर आ चुका है। T70 लीडर की बात करें तो उसके साथ दो गोली शॉटगन से, ओ मार भाई मार भाई, गोली सीधा तो मार ना, पैर रिलोड करो ना, क्या कर रहे हो लीडर भाई यार। अगेन हसन जिंदा होगा, मुझे पता है, आ मुझे पता है, सिर्फ गुलवार लगाता है। तो डबल किल हो गया इस प्लेयर का जो हर दफा ये मोड मार, बात करें तो 3 किल के साथ है। नौमी की बात करें तो 3 किल के, अगर फादर की बात करें तो 6 किल के साथ है। इधर लीडर की 0 किल, लेकर 1 किल इस बंदे का, अगर हसन की बात करें तो 0 किल। तो भाई T70 वाले मेरे ख्याल से बुरा शिकस्त खा रहे इस दफा, बहुत बुरा शिकस्त खा रहे। तो भाई हमारे लिंक को आगे आगे शेयर करो ना, तो इसका एक ही बंदा ना क्या गेन उसको उठा लिया। तुम तो सारे एक ही गुरुवार में आ गए, अकेला बंदा क्या कर लेगा भाई। ओ व्हाट अ गुड गेम, गुड गेम, लीडर ने बंदे को ख़त्म भी किया, वाह भाई वाह। तो इधर BT लीडर भी किसी से कम तो नहीं है, वो बोल रहे मारूंगा, ओ भाई भाई क्या बात है। इधर BT लीडर आ चुका है, क्या रश मार रहा है, अच्छी खूबसूरत गेम प्ले लीडर की जानिब से। तो वाह भाई लीडर ने मेरे ख्याल से 3 किल किया, 70 मेरे ख्याल से। शायद अभी कोई चांस नहीं है कि वो जीत सके, तो BT वाले जिस तरह से स्टार्ट ले चुका है तो T70 वालों को कमबैक करना मुश्किल है। नेटवर्क थोड़ा सा लैग कर रहा है, आई डोंट नो क्या वजह, कल से मैं इंशाल्लाह ये मैप चेंज करूँगा। हाँ नूबे ना, तो क्या कर लेना, क्या कर रहे हो। वह हसन भाई बहुत गलत रश मार रहा है, बहुत गलत स्क्वाड के अंदर आ चुका है, उसका एक ही बंदा डाउन है, दो बंदे डाउन है BT का, तो इसका भी दो बंदे डाउन होने वाले हैं।
तो इधर वो लीडर से, तो दोनों से दो दो बंदे ना के दो दो डाउन है, और इधर वो 374 ने मेरे ख्याल से 2 वर्सेस 2 है, अगर अपने बंदे को उठा लिया तो फिर वो आसानी हो सकती है अपनी टीम के लिए। वाह जी वाह, क्या डबल किल किया हान भाई ने, तो वेल प्लेड हो। फर्स्ट राउंड तो मेरे ख्याल से जीत गए T70 वाले, 1 राउंड जीत गए। कोई हम दबा कर रहे कि हमारा ओल्ड मैं हर टूर्नामेंट में आता है, तो हम दबा कर रहे कि हो, तो इधर एक वॉइस के लिए आ जाए। तो भाई हम तो थोड़े से बिजी है, आप लोग गुरूरी को मुकम्मल करो ना, क्या करने वाले हो? फिर मैं आपको यूट्यूब पर मैच नहीं दिखाऊंगा, T50 का मैच कभी भी नहीं होगा फिर। तो इधर हम चलते हैं लीडर की तरफ, चलते हैं इधर T70 लीडर की तरफ चलते हैं। तो उसके गन के स्किन की बात करें तो हर एक गन इसके साथ मौजूद है। अगर करेक्टर की बात करें तो हर करेक्टर इसके साथ, तो उसको लीडर को दिखो थोड़ा सा दिखाते हैं। इसके साथ भी दोनों कलर में है, तो पीछे से आ चुका है और दरमियान में है T70। T70 बहुत पसा हो चुका है, बहुत पसा, हर तरफ के बंदे आ चुके हैं इधर पीटी वाले का, हर तरफ से। लीडर ने इधर रश मारना शुरू किया, तो लीडर को देख चुका है, और लीडर मेरे ख्याल से डाउन होने वाले हैं। सिर्फ 10 HP पर बच गया, तो एक ही बंदा नाक, दूसरा बंदा भी T70 का नाक। तो इधर बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेगा। तो इधर उसकी लीडर को दिखाते हैं, मेरे ख्याल से उसका लीडर मेरे ख्याल से डाउन पड़ा है। तो इधर T70 का 3 बंदे नाक हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बंदा हसन बाकी होगा, क्योंकि गुलवाल अच्छे लगाते हैं। हाँ हसन जिंदा है भाई, मैंने जो बोला था वही हुआ। वाह भाई क्या बात है, गुलवाल का खूबसूरत इस्तेमाल इधर हसन कीजिए, हसन पूरा स्क्वाड मार पाएगा, यही देख लो क्या मिलेगा भाई, बहुत खूबसूरत गेम। ओ हसन मेरे ख्याल से डाउन हो चुका है, वाह भाई खूबसूरत गेम। लास्ट राउंड में हसन ने जिस तरह गेम किया, अगर पहले राउंड में किया जाता तो फिर जीतने के चांस ज़रूर होते, लेकिन हसन ने इस राउंड में बहुत अच्छी गेम प्ले करके दिखाया। तो गुड लक भाई, कोई बात नहीं, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, तो जितने भी हमारा प्लेयर है तो सब कुछ है। तो उसको हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होता है कि जो बाद में एंट्री करना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के। एवरीथिंग आई एम ऑनलाइन, 24 घंटे मेरा व्हाट्सएप ऑन होता है। तो जितने भी हमारा फ्रेंड्स है उसको चाहिए कि वो अपने यूट्यूब लिंक आगे आगे शेयर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को उससे जल्द से जल्द पहुंच सके। यूट्यूब को सब्सक्राइब करेगा भाई, क्योंकि हम इतने अच्छे टूर्नामेंट आपके लिए बनाते हैं, तो फिर तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो भाई गुड गेम, थैंक यू एवरीवन जो हमारे लाइव स्ट्रीम पर आ गया था, बहुत बहुत शुक्रिया। पोस्तों के रतवे एम डी मनरा, मेहरबानी मेहरबानी जो सताओ जमुन लाइव स्ट्रीम तो दूंगा राजी डेरा मेहरबानी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल के बहुत खूबसूरत मैच होगा इंशाल्लाह, जो T50 का मैच होगा हम अरेंज करने वाले, किस टीम से करें, हमारी अपनी गिल्ड की एक मैच होगी, लेकिन मैं नहीं हुआ क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पर होगा, हमारी गिल्ड की मैच होगी जो बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो इंशाल्लाह कल के मैच अनाउंस होगा ग्रुप में। तो गुड गेम, आज दोनों टीमों ने बहुत खूबसूरत गेम किया, आज हमारे 2 मैच हो गए, तो बहुत खूबसूरत गेम। तो इंशाल्लाह भाई ऐसे ही हमारे साथ रहो, इंशाल्लाह हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों की तरफ से। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम बड़े बड़े टूर्नामेंट पे अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच, गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स, ग्लोरी वरसा वे जालिमान उस वरसे पे।